हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल आज हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूटर लैंडिंग प्राइस कैसे कैलकुलेट करी जाती है साथ के साथ रिटेलर लैंडिंग प्राइस के बारे में बात करेंगे और जितने भी मार्जिन इससे रिलेटेड हैं हम उस पर बात करेंगे ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा एफ में जो भी सेल्स डिपार्टमेंट में है सेल्स में है सेल्स मैनेजर है या फिर सेल्स कोऑर्डिनेटर है इन सबके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा सेल्समैन के लिए जो रिटेलर के पास जाता है रिटेलर अगर आपसे पूछता है कि मेरा इस पे मार्जिन क्या है तो आपको पता होना चाहिए कि रिटेलर लैंडिंग प्राइस कैसे कैलकुलेट होती है अगर आप सेल्स मैनेजर हैं एरिया सेल्स मैनेजर हैं और आप डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं वो आपसे पूछता है कि इस प्रोडक्ट का एमआरपी तो ये है लेकिन इस पे मेरा मार्जिन जो पांच परसेंट है दस है तो कितना मार्जिन बनता है तो आपको पता होना चाहिए कैलकुलेशन कैसे करनी है और उनको समझाना है राइट तो इस वीडियो में हम सब डिस्कस करेंगे चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले एक ये मैंने टेम्पलेट बना दिया है ये लेट्स से एमआरपी है हमारी सौ रुपए ठीक है उसपे जो रिटेलर मार्जिन है ट्वेंटी परसेंट तो जो मार्कअप होगा ट्वेंटी परसेंट इस पे कितना होगा एटी थ्री पॉइंट थ्री

राइट right. तो अल्टीमेटली जो बीस रुपए ट्वेंटी रुपीज पॉइंटी फोर पैसे का जो डिफरेंस है ये मैन्युफैक्चर पहले से ही लूज कर चुका है राइट right. अब इसके लिए ये सेवेंटी नाइन पॉइंट थ्री सिक्स है इसमें से कुछ पार्ट इसका प्रॉफिट होगा जैसे ग्रीन में सिग्नल है ये प्रॉफिट है जो येलो पार्ट है इसके ओवरहेड हो सकते हैं और जो ये ब्लू में है ये डायरेक्ट कॉस्ट है डायरेक्ट कॉस्ट जिससे सैलरीज लेबर की सैलरी रॉ मटेरियल का चेज वो सारी चीजें इसमें आ जाती हैं राइट right, तो अब हम डिस्कस करेंगे जो ये रिटेलर लैंडिंग प्राइस है 83.33 और डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन 79.36 ये कैसे कैलकुलेट हुआ है राइट right. तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे रिटेलर लैंडिंग प्राइस आर अब एम जो है सौ है रिटेलर मार्जिन ट्वेंटी डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन फाइव इसके बेसिस पे हमें कैलकुलेट करना है रिटेलर लैंडिंग प्राइस क्या हम कर सकते हैं जी हाँ अब सबसे पहले फॉर्मूला समझते हैं जो आरएलपी है रिटेलर लैंडिंग प्राइस वो होता है एमआरपी माइनस रिटेलर मार्जिन परसेंटेज इनटू आरएलपी रिटेलर लैंडिंग प्राइस ठीक है तो ये जो कैलकुलेशंस हो रही हैं सारी मार्कअप कैलकुलेशंस हैं अब इसमें एमआरपी हमें पता है 100 है माइनस 20% इनटू आरएलपी अब जो ये आर है ये हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो आर एल पी विल बिकम आर एल पी इन टू तो प्लस क्या आएगा आर एल पी इज इक्वल टू हंड्रेड डिवाइडेड बाय पॉइंट टू विच इज इक्वल टू एटी थ्री पॉइंट थ्री थ्री तो हमारा रिटेलर लैंडिंग प्राइस सौ रुपए पे ट्वेंटी परसेंट मार्जिन पे एटी थ्री पॉइंट थ्री थ्री बनता है आप कहेंगे कि रिटेलर मार्जिन 20 परसेंट है सौ रुपए की एमआरपी है 20 परसेंट में अगर सौ में से डिडक्ट कर दूटी रुपीज आना चाहिए जी नहीं क्योंकि जो हम करते हैं कैलकुलेशन इसको मार्कअप कैल्कुलेशन करिए जिसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूटर लैंडिंग प्राइस भी हम मार्कअप बेसिस पे करेंगे राइट तो अगर हमारा रिटेलर लैंडिंग प्राइस एटी आ गया है तो जो मार्जिन हुआ रिटेलर के लिए वो आ गया हंड्रेड माइनस एटी थ्री पॉइंट थ्री थ्री विच इज सिक्सटीन पॉइंट सिक्स सेवन

हमारा डिस्ट्रीब्यूटर लैंडिंग प्राइस आ रहा है 79.36 79.36 तो तो जो जो हुआ वो आएगा 3.97 3.97 3.97 कैसे आया जो हमारा retailer landing price है 83.33 तो ऐसे हमें डिस्ट्रीब्यूटर लैंडिंग प्राइस कैलकुलेट करनी है अब हम इसमें एक एग्जांपल भी ले लेंगे ठीक है एग्जाम्पल से आर कैलकुलेट करेंगे बिफोर एंड आफ्टर स्कीम ठीक है तो अगर हमारा एम है जो प्रोडक्ट का वो है सौ रुपए रिटेलर मार्जिन ट्वेंटी परसेंट ठीक है वॉट इज द पर पीस रिटेलर प्राइस आफ्टर स्कीम इफ द रिटेलर बाइज फाइव पीसेस हमारे जो स्कीम है जो कंपनी ने स्कीम बनाई है वो ये है स्लैब है थ्री पीसेस पर एक परसेंट मिलेगा पांच पीसेस पर टू परसेंट मिलेगा एट पीसेस अगर रिटेलर खरीदता है तो तीन परसेंट मिलेगा ठीक है

तो हम देख सकते हैं टू परसेंट की वजह से 83.33 जगह थ्री पॉइंटली थ्री परसेंट के, के, तो के, के, तो पर के, तो के हिसाब से राइट अगर रिटेलर छह पीसेस खरीदता सिक्स पीसेस तो उसको पांच पीसेस के हिसाब से ही टू की स्कीम मिलती राइट तो ये था हमारा रिटेलर लैंडिंग प्राइस कैलकुलेशंस राइट तो अब हम एक बार समझ लेते हैं जो एवरेज डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन होता है रिटेलर मार्जिन होता है वो कितना होता है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री अगर हम एफ एम की बात करते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड या कंज्यूमर पैकेज गुड्स इसमें डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन इज टू रिटेलर मार्जिन इज एट टू फोर्टी परसेंट इसमें कोलगेट पी एन जैसी कंपनीज आ जाती है फिर फुटवेयर एंड अपेरल की बात करें तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन इज फिफ्टीन टू थर्टी रिटेलर मार्जिन इज टू परसेंट इनका जो मार्जिन है थोड़ा ज्यादा होता है क्योंकि जो क्रेडिट मार्केट में ये देते हैं वो ज्यादा होता है रिस्क भी ज्यादा होता है राइट right? फुडवेयर में आ जाते हैं रिलैक्सो बाटा अपेरल में आ जाते हैं डिक्सी एन देन जॉकी एक्सेट्रा इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बात करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन इज थ्री टू सेवन परसेंट रिटेलर मार्जिन इज थ्री टू सेवन परसेंट अगेन इसमें मार्जिन कम है क्योंकि जो इनका टिकट साइज है वो हाई है जैसे अगर आप फ्रिज अगर बेचते हैं तो इट्स थर्टी थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड सेवेंटी थाउजेंड इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाता है एल जी सैमसंग जैसे कंपनीज कार्स इसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं होते हैं डीलर मार्जिन जो होता है फाइव टू फिफ्टीन परसेंट फर्नीचर में होता है थर्टी टू फिफ्टी परसेंट एंड ज्वेलरी में होता है थर्टी टू सिक्सटी परसेंट ऑल राइट सो गाइज इस वीडियो में हमने समझा है रिटेलर मार्जिन रिटेलर लैंडिंग प्राइस कैसे कैलकुलेट की जाती है उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर लैंडिंग प्राइस कैसे कैलकुलेट की जाती है तो ये जो टॉपिक्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट अगर आप सेल्स मैन है आप मार्केट विजिट करते हैं रिटेलर आपसे पूछ सकते हैं कि ये जो मार्जिन है कैसे कैलकुलेट होता है अगर आप सेल्स मैनेजर हैं तो आपको पता होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूटर आपसे कभी भी पूछ सकता है आपको अगर अपने इंप्लॉयज को ट्रेन भी करना है तो ये वीडियो बहुत आपको काम आएगी अगर आपको कोई भी एफ से रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझना है तो प्लीज कमेंट करिए मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो